अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां राजनीतिक भूचाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटके देते चले जा रहे हैं। शिवसेना का पार्टी सिंबल मिलने के बाद शिंदे गुट ने उद्धव की संपत्ति पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का अगला प्लान क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र से शुरू हुई शिवसेना की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। लोकसभा सचिवालय से एक पत्र के जरिए जानकारी दी गई कि अब संसद भवन में शिवसेना कार्यालय भी शिंदे गुट को आवंटित हो चुका है। लोकसभा सचिव का यही वो पत्र है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि संसद भवन का कमरा नंबर 128 शिवसेना को अलॉट कर दिया जाए। लोकसभा सचिवालय से ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने शिवसेना का जो संसद भवन का ऑफिस था उसे पूरी तरह से एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया है। 18 फरवरी को शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल सेवाले ने एक पत्र लिखकर सचिवालय से ये मांग की थी कि ये दफ्तर उनके गुट को दिया जाए, जिसे आज संसद सचिवालय ने मंजूरी दे दी। असली शिवसेना घोषित किए जाने के बाद शिंदे गुट के नेताओं ने महाराष्ट्र विधानमंडल में पार्टी कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया है। बाकी बची शिवसेना की सारी संपत्ति पर भी शिंदे गुट की पैनी नजर है। दूसरी तरफ सामने खड़ी हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए उद्धव ठाकरे ने मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अब सियासत भी गरमाती नजर आ रही है। अक्षय निधीचा जो दावा आहे ना, तो ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही। निवडणूक आयोगावरती केस केली जाईल, खटला भरला जाईल, कारण कोणाच्याही निधीवरती दरोडा घालण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही। निवडणूक आयोगाला फक्त आणि फक्त निवडणुकीसाठी चिन्ह आणि पक्षाचं नाव ठरवण्याचा अधिकार आहे, त्या व्यतिरिक्त निवडणूक आयोगाला अधिकार नाही। कब्जा कर रहा है क्या, करने दीजिए, और क्या कर सकते हो। चोर होता है वो कहां भी घुसता है। अब जो और बड़ा चोर होता है उनको लगता है कि मैं देश का मालिक बन गया हूं, हां, लेकिन ये चौकीदार नहीं है। चौकीदार यहाँ की जनता है, मराठी जनता है। सर, एक लंबी फेहरिस्त है जिसे बचाने और कब्जाने की जंग उद्धव और शिंदे में चल रही है, आपको बताते हैं। और आइए अब देखते हैं वो तमाम संपत्ति जिसे बचाने की चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है। 200 करोड़ रुपए का सेना भवन, महाराष्ट्र में सभी शिवसेना कार्यालय, शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यालय, मातोश्री पर भी दावा हो सकता है, शाखा, डोनेशन, संपत्ति और फंड, निकायों में शिवसेना कार्यालय, नागपुर विधान भवन में पार्टी कार्यालय, 500 से अधिक पार्टी शाखा। वर्चस्व की लड़ाई में पार्टी का नाम और सिंबल मिलने के बाद एक एक करके एकनाथ शिंदे गुट का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पहले विधानसभा में एकनाथ शिंदे गुट को दफ्तर मिला, इसके बाद अब लोकसभा में भी उनको जो दफ्तर है शिवसेना का वो मिल चुका है। अब सवाल ये है कि क्या शिवालय पर भी एकनाथ शिंदे गुट अपना दावा कर सकता है। जानकार मानते हैं कि जल्दी शिवालय पर एकनाथ शिंदे गुट अपना दावा ठोक सकता है, क्योंकि ये दफ्तर सरकार ने शिवसेना को दिया है और चूंकि असली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे के पास है, चुनाव आयोग ने उनको दे दिया है, इसलिए जल्दी एकनाथ शिंदे गुट अब इस दफ्तर पर अपना दावा ठोक सकता है। शिंदे गुट शिवसेना के सारे अधिकार हासिल कर उद्धव ठाकरे पर भारी नजर आ रहे हैं। ऐसे में उद्धव के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा होगा कि अब कहीं शिंदे का अगला कदम शिवसेना भवन को कब्जाना तो नहीं, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसी सवाल से उद्धव परेशान नजर आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक शिवसेना के पास कितनी संपत्ति है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। और अब एक नजर साल 2020 तक शिवसेना की कुल संपत्ति पर। 148 करोड़ 46 लाख की FD, 186 करोड़ की अचल संपत्ति, 150 करोड़ का पार्टी फंड, 200 करोड़ का सेना भवन। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना की जितनी भी संपत्ति है उसमें सबसे बड़ी संपत्ति सेना भवन को माना जा रहा है। उद्धव गुट के पास जो अभी सेना भवन है उसकी कीमत लगभग 200 करोड़ है। हालांकि शिंदे का कहना है कि वो सेना भवन पर कोई दावा ठोकने का इरादा नहीं रखते। शिवसेना आणि धनुष्यबाणाचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे, त्याप्रमाणे विधिमंडळातलं जे कार्यालय आहे ते शिवसेनेचं आहे। आणि तुम्ही म्हणाल की प्रॉपर्टी
संपत्ती आम्हाला कुठल्याही संपत्ती प्रॉपर्टीचा मोह नाही। जर 2019 हे बाळासाहेबांच्या विचाराची भूमिका घेऊन सरकार स्थापन केलं असतं तर ही आमच्यावर वेळ आली नसती, आम्ही कधीच हा पाऊल उचललं नसतं। अब आप सेना भवन के बारे में भी जान लीजिए। अब देखते हैं सेना भवन शिवाई ट्रस्ट के सदस्यों की लिस्ट। उद्धव ठाकरे, सुभाष देसाई, अरविंद सावंत, लीलाधर डाके, दिवाकर रावते और विशाखा राउत। शिवसेना के नए मुखिया एकनाथ शिंदे उद्धव गुट पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। पार्टी और सिंबल हाथ से छिन जाने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में उद्धव की उम्मीदें पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो ये तो थी शिवसेना की राजनीति की बात।